अगली खबर आ रही है सतना से, जहां नगर पालिक निगम कार्यालय के गलियारों में कांग्रेसी पार्षद ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। नाराज पार्षद परिषद सभागार में फर्श पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसी पार्षद उनका इंतजार किए बगैर परिषद की पहली बैठक स्थगित कर दिए जाने से नाराज थे, लिहाजा उन्होंने न केवल भाजपा बल्कि परिषद अध्यक्ष के खिलाफ भी नारे लगाए। दरअसल नगरपालिक निगम सतना की नई परिषद की पहली बैठक सोमवार को परिषद अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें 1103 एजेंट पर चर्चा कर निर्णय लिए जाने थे। सुबह जब परिषद की बैठक के लिए पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे तो कांग्रेसी पार्षद परिषद में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की सफाई और माल्यार्पण करने लगे, जबकि भाजपाई और कई अन्य गैर कांग्रेसी पार्षद सभागार में पहुंच गए। इधर कांग्रेसी प्रतिमा की सफाई करते रहे, उधर महापौर योगेश ताम्रकार और तमाम भाजपाई और गैर कांग्रेसी पार्षद की मौजूदगी में पार्षद महेंद्र पांडे के बड़े भाई और पार्षद कप्सा तिवारी के बेटे के निधन पर शोक सभा कर परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई। परिषद अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन ने अगली बैठक के लिए 17 नवंबर की तारीख भी तय कर दी है। जब कांग्रेसी पार्षद सभागार में पहुंचे तो पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में ही शोक सभा कर बैठक स्थगित की जा चुकी है, तो वे भड़क गए। कांग्रेसियों ने इस पर सख्त एतराज जताया और सभागार की फर्श पर धरने पर बैठ गए। इस बीच महापौर योगेश ताम्रकार उन्हें समझाने पहुंचे तो कांग्रेसी पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच कांग्रेस के पार्षद परिषद अध्यक्ष और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। कांग्रेसी पार्षदों का कहना था कि वे भी परिषद के सदस्य हैं और नगर निगम परिवार का हिस्सा हैं। जिन पार्षदों के परिजनों का निधन हुआ है वो उनके भी अपने हैं और इस विपदा में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बैठक स्थगित करने के निर्णय से पहले उनका इंतजार तो स्पीकर को करना चाहिए था। नाराजगी जताने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद राम कुमार तिवारी, रावेन्द्र सिंह मिथिलेश, अशरफ अली बाबा, कमला सिंह, पंकज कुशवाहा, अमित अवस्थी, सन्नू के सिंह भैया, के तिवारी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी मोटा भारत।